मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी हम लोग लेसन टू द फूल स्टाफ का एक्सरसाइज वन करेंगे। देखिए, आपकी किताब जो टेक्स्ट बुक है प्ले एंड लर्न, उसका सेकेंड चैप्टर का एक्सरसाइज वन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग्स जेस्टर? राजा का विदूषक जो जेस्टर था उसका नाम क्या था? आंसर, द नेम ऑफ द किंग्स जेस्टर वाज भूरिया। राजा का जेस्टर का नाम भूरिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड एन अटैक ऑफ पैरालिसिस? किसे पैरालिसिस हुआ? द किंग। आंसर, द किंग हैड एन अटैक ऑफ पैरालिसिस। राजा को पैरालिसिस हो गया, लकवा की बीमारी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, हु गैदर अराउंड द किंग? राजा के चारों ओर कौन इकट्ठे हुए थे? आंसर, द क्वीन एंड हिज सन्स गैदर्ड अराउंड द किंग। रानी और उसके पुत्र उसके चारों ओर इकट्ठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why was the king not moved by the words of the courtiers? राजा अपने दरबारियों के शब्दों से क्यों प्रभावित नहीं हुआ? Answer, the king was not moved by the words of the courtiers because he knew the truth that he didn't have many days to live. राजा ने अपने दरबारियों के शब्दों से प्रभावित इसलिए नहीं हुए क्योंकि वह उनकी जीवन की सच्चाई को जानते थे कि उनके पास काफी समय जीने के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रिपरेशन डू यू मेक व्हेन यू गो ऑन ए जर्नी? जब आप किसी यात्रा पर जाते हैं या सफर पे जाते हैं तो कौन सी तैयारी, क्या क्या तैयारी करते हैं? तो तैयारी बहुत सारा होता है, क्योंकि हम जब कभी भी सफर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग डेट कंफर्म करते हैं कि किस दिन सफर करना है। कुछ अरेंजमेंट्स करते हैं कि किस चीज से जाना है, बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, और उसमें जाने के लिए क्या क्या हमें अरेंजमेंट्स करना है, क्या ले जाना है। तो इस तरह से बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। हमने शॉर्ट में आंसर लिखा है, व्हेन वी गो ऑन ए जर्नी फर्स्टली वी हैव कंफर्म द डेट ऑफ जर्नी। जब हम यात्रा पे जाते हैं सफर पे, तो सबसे पहले हम लोग तारीख कंफर्म करते हैं कि किस दिन हमें जर्नी पे जाना है। एंड आफ्टर इट व्हेन वी हैव टू मेक सम अरेंजमेंट्स फॉर द जर्नी। तो दिस टाइप ऑफ प्रिपरेशन हैज टू मेक बिफोर द जर्नी। तो कुछ डेट कंफर्म करते हैं, कुछ अरेंजमेंट्स करते हैं, जैसे कुछ भी कर सकते हैं, क्या ले जाना है, कितना दूर की जर्नी है, कितने दिन की जर्नी है, क्या से जाना है और वहाँ क्या क्या साथ में ले जाना है, इस तरह का प्रिपरेशन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। सॉरी, और एक चीज है कि आपकी किताब पढ़ाई हो रही है, आपको पहले भी सूचना दिया गया है कि आपके पास ग्रामर का बुक जो आपने स्कूल से लिया है उसमें थोड़ा सा टिपिकल है, वो थोड़ा टिपिकल है, लेकिन अभी जो मैं ग्रामर पढ़ा रही हूँ वो बेसिक चीज है, जिसके लिए मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए कहा गया बोला है। तो वो जो ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो बुक खरीदे हैं वो शुरू होगा, लेकिन मैंने जितना पढ़ा उसका आपको नोट्स बनाना है, उसके बाद ही वो बुक शुरू किया जाएगा। इसलिए आप ये प्रश्न मत कीजिए कि पहला चैप्टर मेरा सेंटेंस है और हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको क्या पढ़ाना है। सो आप ग्रामर का कॉपी भी तैयार कीजिए और बीच बीच में आपका बुक भी होगा। ग्रामर हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे किताब में जो बुक है उसमें ज़्यादातर एक्सरसाइज ग्रामर से है, जब तक हम समझेंगे नहीं वो नहीं बनेगी।